आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल दुर्गा देसी खाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन और बेसन की मिक्स सूखी सब्जी, जो कि बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये है एक कटोरी बेसन, इस कटोरी से एक कटोरी बेसन लिया है, और ये दो बैगन है जिसकी हम सब्जी बनाएंगे। और इसमें हम ये मसाला डालेंगे, तीन प्याज है, दो टमाटर है, चार हरी मिर्च है, चार लहसुन की कली है, छोटी सी अदरक है, एक चम्मच हल्दी है, दो छोटे चम्मच धनिया है, और ये छोटी आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला है, और ये डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची है। और तड़के के लिए हम ये आधी चम्मच राई लिया है, आधी चम्मच से भी कम जीरा लिया है, और कड़ी पत्ता डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। हम पहले इस रिफाइन ऑयल में बनाते हैं। तो चलिए पहले हम बैगन के काट लेते हैं। पानी में डाल दिया है, हम गैस जला लेते हैं, फ्राई पैन को गर्म होने देते हैं, तब तक हम ये बेसन घोल लेते हैं। तो बेसन में हम ये नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच, इसी में से थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर हम इसे हाथों से घोल लेते हैं। हमें फ्राई करना है तो इसलिए हम थोड़ा ज्यादा तेल डालते हैं। ये मेरा भूल गया है, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं, हो गया है मेरा। अब हम इसको एक एक करके डाल देते हैं। हमें फ्राई करना है, एक एक करके सारे को डाल देते हैं। लेते हैं, बहुत अच्छा कलर जाता है चिमटी से। बहुत अच्छा बनता है ये सब्जी, कभी बना के देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में, बिल्कुल अलग तरीके से। सारे को पलट लिया है, फ्राई हो गया है। अब इन सबके हम निकाल लेते हैं। सारे को निकाल लिया है, अब ये जो बचा है इसे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं सारे को, इसे बंद कर देते हैं।
लेते हैं। तो गैस जला लेते हैं, कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं, तेल डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा और राई डाल देंगे। इसके साथ ये डाल देंगे। थोड़ा प्याज भून गया है थोड़ा, ठीक है, हल्का हल्का तीन चम्मच हो गया है मेरा। अब हम ये अदरक लहसुन का कद्दूकस कर लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला है डाल देते हैं, धनिया, मिर्ची, और ये हल्दी। टमाटर भी डाल देते हैं। हम नमक भी डाल देते हैं। तो हम बैगन में भी नमक डाला है तो हम मसाला के हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें करी नहीं डालेंगे। अब इसे हम पकने देते हैं। मसाला भून गया है, टमाटर थोड़ा थोड़ा कच्चा ही है, तो हम इसमें इतना आधा कटोरी से कम पानी डाल देते हैं। ये थोड़ा हल्का हल्का भूजा बनेगा। अब ये हम इसमें ये गरम मसाला जो है वो भी डाल देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। देखिए अब हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें थोड़ा खड़ा खड़ा ही मसाला रखना है। अब हम इसमें ये बैगन को डाल देते हैं। इसे हम बैगन डालने के बाद इसको हमें सिर्फ मिलाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। हम गैस को बंद कर देते हैं। तैयार हो गया। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल अलग तरीके से बैगन की सब्जी।
लेते हैं। ये धनिया पत्ता डाल लेते हैं, हरी मिर्ची, इतना अच्छा देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है ये। आप भी बनाइए, बहुत अच्छा बनता है ये। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।